हम जानते हैं ये जो कैपिटल एम होता है ये होता है सुप्रीमम, जो बताता है हमें एक तरीके से। अब हम फंक्शन यहाँ पर है ना मॉडुलस वाले, ठीक है, और यहाँ पर एक इसका वो होता है मतलब कि पार्टीशन होता है, यहाँ पर ये मैंने एस मार दिया है, ओके, माइनस उसके सुप्रीमम को उसके इंटीमम से माइनस कर सकते हैं, राइट, फिर ये बड़ा होता है छोटा ही बड़ा, मॉडुलस ऑफ एस कॉमा दे, और ये चीज लेस देन इक्वल टू होगी कैपिटल एम ऑफ और उस फंक्शन से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो यहाँ पर है ना मॉडुलस वाले फंक्शन की बात हो रही है और यहाँ पर सिर्फ फंक्शन की बात हो रही है, इसीलिए ये चीज़ जो है ना उससे छोटी होगी और ये चीज़ जो है इससे बड़ी होगी और इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे, ठीक है। आई मान लो फॉर एग्जांपल कि यहाँ से हम उसके मॉडुलस ऑफ द फंक्शन के ना वैल्यू ले रहे हैं, अब मान लो यहाँ पर कोई मतलब कि एफ फंक्शन है, अगर कोई नेगेटिव है ये तो उसको पॉजिटिव ही लेगा और दोनों माइनस लेंगे, और मान लो यहाँ पर जो फंक्शन मेरा नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू देगा ना, तो इसीलिए तो ये टर्म जो है इस तरीके से बड़ी हो जाएगी इससे। और तो अब यहाँ पर हमें पार्टीशन भी लेना पड़ेगा कि हमारा जो पार्टीशन है ना वो इस फॉर्म का है कुछ टी नॉट टी वन एंड अंटिल बी आर पार्टीशन, ये हमारा पार्टीशन है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा पार्टीशन देन फ्रॉम फर्स्ट। अब ये जो हमने एस एस किया है ना ये हमारे पार्टीशन में से निकल कर आते हैं, क्योंकि अब एम ऑफ एफ कोमा पी नहीं लिखते पार्टीशन के लिए, बट हमने पार्टीशन अब यहाँ पर लगाया तो इसके जो पार्टीशन के जो बीच के पॉइंट्स होते हैं ना वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि मतलब कि एस की बात करें वैसे ये टी के माइनस वन जो पार्टीशन में से बीच के पॉइंट्स लेते हैं उसकी बात करिए तो एस की जगह इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों में ना एक ही बात होती है कि एस जो है ये बिलोंग करता है ए बी बॉन्ड में और ए बी का पार्टीशन हो चुका है ना यहाँ पर, मैंने पार्टीशन कर दिया ए बी का, तो बीच में से वो जो दो पॉइंट दिखाते हैं वो टी के माइनस वन और टी के होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी टी के माइनस वन सिंपली यहाँ पर भी एक्स है ना उसको रिप्लेस कर दूंगी मैं टी के माइनस वन और टी के एफ टी के माइनस वन टी के एन माइनस मॉडुलस टी के माइनस वन टी के, ओके, तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो इसको है ना हमें उस फॉर्म में लाना है जो हमारा डार्बोक्स सम होता है, हमारा जो डार्बोक्स सम होता है उस फॉर्म में लाना है, तो डार्बोक्स सम में यहाँ पर क्या होता है टी के माइनस वन टी के तो होता है मल्टीप्लाई में समेशन ऑफ दिस, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर कर दूँगी, यहाँ पर हो जाएगा एम मॉडुलस एफ टी के माइनस वन टी के, ठीक है, कितना हो गया माइनस में स्मॉल एम ये वाला पूरा मॉडुलस एफ टी के माइनस वन टी के, ठीक है, ये हो गया। और इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँगी टी के माइनस फोर, यहाँ पर टी के माइनस वन का टी के हो जाएगा माइनस टी के माइनस वन से, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा ना अपर डार्बोक्स पर डार्बॉक सम जो होता है वो यही होता है यू ओवर एफ ऑफ पी, भले ही यहाँ पर तुम यू ओवर एफ ऑफ पी छोड़ो तो यू ओवर एफ ऑफ पी है, ठीक है। अब ये एम होता है एफ ऑफ दिस टी के माइनस वन टी के, वही तो मैंने ये एक्स जो है ना एक तरीके से हमारे किसमें बिलोंग करे ए बी में और ए बी का हमारा पार्टीशन हो चुका है, मैंने इंटरप्रेट कर दिया, इसके दो पॉइंट हम ले लेते हैं एक बाउंड की फॉर्म में, तो ये हो जाता है, ठीक है, तो इतना हो गया। और देखो अपर डार्बॉक सम में ना इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, तो मुझे ये दिखाने के लिए ये भी मल्टीप्लाई मिल गई, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो इस वाली साइड भी तो मल्टीप्लाई करूँगी ताकि कैंसिल आउट कर दे, दिस थिंग इज मोर ग्रेटर देन एफ ऑफ, तो इतना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो जाएगा टी के माइनस वन से लेकर टी के तक जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा एफ ऑफ टी के माइनस वन टी के, ठीक है, और ये पूरी चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी टी के माइनस वन से, ताकि ये कैंसिल आउट इफेक्ट दे दे, इसलिए मैंने दोनों तरफ सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया। अभी मैंने दिखाया आपको अपर डार्बोक्स सम क्या होता है, यू ऑफ एफ ऑफ पी होता है जो कि एम कैपिटल एम और टी के माइनस वन, देखो कैपिटल एम ये मल्टीप्लाई नहीं होता और दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ और ये चीज़ क्या बना रहे हैं हम,
फंक्शन का यहाँ पर f था, मेरे पास यहाँ पर मॉडुलस f है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस f आ जाएगा। और ये किसको दिखाता है, लोअर वाले को, तो l ऑफ मॉडुलस और हमारा पार्टीशन p है, दिस थिंग इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर हमारा नॉर्मल फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा मिनिमम वाला आ जाएगा, दैट इज लोअर डायमेंशन वाला। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब हम जानते हैं, मैंने बोला था कि सबसे पहले हम ये हमने ले रखा कि f जो है इंटीग्रेबल है, मुझे शो करना मॉडुलस f भी इंटीग्रेबल होगा, पर f तो इंटीग्रेबल है ना, तो जब कोई भी चीज़ मतलब हमारी इंटीग्रेबल होती है, मैंने आपको बार बार बताई है, बी एन ए रियल नंबर, f एक रियल नंबर है सिंस, और f जो है हमारा एक इंटीग्रेबल है, f इंटीग्रेबल है, f एल एन एक रियल नंबर है, तो वहाँ पर हमारी एक पार्टीशन होगी, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p, पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट, जिसकी वजह से जब ये इंटीग्रेबल होता है ना कोई भी फंक्शन, तो हमारा इसका मतलब ये होता है f को p, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेबल किसको बोला था, f को, तो यहाँ पर पार्टीशन में फंक्शन कौन सा आएगा, f वाला, माइनस लोअर आर्क ऑफ सम f of p इज लेस देन f प्राइम, ये होता है जब हमारा फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, इस पर इसको हमें लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से कितना हो गया, नाउ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, इसको देखोगे ना तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन दोनों सेम है, और ये किससे लेस देन है, f से, मतलब तीनों इसको इक्वेट करूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस ऑफ f, देखो मैं सेकंड वाली इक्वेशन लिखूंगी, ये सेकंड वाली पूरी लिखूंगी, ठीक है, दिस थिंग माइनस l ऑफ मॉडुलस ऑफ f कॉमा p, ठीक है, दिस थिंग इज लेस देन इक्वल टू u ऑफ f ऑफ p माइनस l ऑफ f ऑफ p, ठीक है, और ये चीज इससे लेस देन है, थर्ड इक्वेशन से वहाँ पता चले ये एप्सिलॉन से लेस देन है, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये इससे लेस देन है, ये इससे लेस देन है, तो आपस में रिलेशन क्या होगा, ये इससे लेस देन होगी, तो यू ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ कॉमा पी माइनस एल ऑफ मॉडुलस एफ कॉमा पी, सॉरी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन हो गई, ये लेस देन एप्सिलॉन हो गई, तो हम कह सकते हैं देखो ये वाला फंक्शन भी था, ये f जो था हमारा इंटीग्रेबल था, f इंटीग्रेबल था, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जब देखो जब हमारी इस फॉर्म में आ चुके तो मतलब क्या, हमारा मॉडुलस f भी तो इंटीग्रेबल हो गया, क्योंकि ये चीज किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, अब जब हमारी ये फॉर्म आ गई तो मतलब क्या, जब और फंक्शन कैसे हमारा इस फॉर्म में मॉडुलस वाला है, तो हमारे जो मॉडुलस f जो है ना वो भी इंटीग्रेबल हो जाएगा, गाइस मेरा पूरा खत्म हो गया है, एंड इसका जो सेकंड पार्ट है ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ओके, तो मैं इसमें कंटिन्यू करता हूँ, मुझे लेना पड़ेगा, राइट, तो ये यहाँ पर बस इतना ही लिखना है, मॉडुलस f इज इंटीग्रेबल, दैट्स इट, ठीक है, और आपको इसका सेकंड पार्ट में दिखाती हूँ, ये वाला आपको शो कर देती हूँ, लेट मी शो यू दैट, ये का मैं आपको दिखा देती हूँ इसके बारे में कि इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं, इसका आगे क्या है जो हमें प्रूफ करना था एंड में जो दे रहा था, देखो हम मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको दिखा रही हूँ, मेरा पेन खत्म है ना ऑलरेडी, तो देखो माइनस ऑफ मॉडुलस f जो है ना वो लेस देन इक्वल टू f एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस, आप जो समझते ही होंगे f की जो रेंज है माइनस ऑफ मॉडुलस और प्लस ऑफ मॉडुलस के बीच में ही होगी, राइट, अब मैंने दोनों की तरफ इंटीग्रेबल लगा दिया, ठीक है, लिमिट भी दोनों सभी में सेम सेम लगा दी लिमिट भी, ठीक है, अब इसका माइनस जो है वो बाहर आ गया, इसका माइनस बाहर आ गया, बाकी सब सेम चल रहा है, इसका माइनस बाहर आ गया, अब देखो ये चीज इससे लग रहा है तीनों में रिलेशन है, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ये वाली